चलो बच्चों, अब हम अपराह्न और पूर्वाह्न से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। इससे हम और भी अच्छे से समझ जाएंगे। आइए, सुबह 5:30 मतलब 5:30 का समय, 5:30 का समय क्या कहलाएगा? हमारा सुबह का समय। तो हमने सीखा कि रात्रि के 12 बजे से दोपहर का 12 बजे तक का समय क्या होता है? पूर्वाह्न होता है। तो हमारा सुबह का 5:30 भी पूर्वाह्न कहलाएगा। शाम 6:15 का समय शाम लिखा है। तो हमारा दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय क्या होता है? अपराह्न होता है। तो अपराह्न कहलाएगा। रात 10 बजे का समय क्या होगा? बिल्कुल सही, अपराह्न। रात का 10 बजे का समय हमारा अपराह्न कहलाएगा। प्रातः 8:45 का समय, देखिए प्रातः आया है मतलब सुबह का 8 बजे का समय है। प्रातः 8:45 का समय क्या होगा हमारा? पूर्वाह्न। अभी 12 नहीं बजा है तो हमारा पूर्वाह्न ही होगा। शाम का 4 बजे का समय, दोपहर 12 बजे से अपराह्न लग जाता है तो शाम भी हमारा अपराह्न में आएगा। शाम का 4 बजे अपराह्न कहलाएगा। सुबह 11 बजे का समय, सुबह का समय देखिए तो पूर्वाह्न कहलाएगा ये। ठीक है, शाम का 8:30 का समय, 8:30 का समय क्या होगा? शाम का, अगर शाम है तो अपराह्न कहलाएगा। दोपहर से शुरू हुआ रहता है अपराह्न। दोपहर 2:30 का समय क्या होगा? दोपहर एक वैसे भी मध्य हो गया है, अपराह्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपराह्न। रात के 11:15 का समय ये भी हमारा अपराह्न होगा। जब 12 बजेगा तब पूर्वाह्न होगा। अभी हमारा 11:15 का समय अपराह्न कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने सीखा पूर्वाह्न और अपराह्न को। आप इसे अभ्यास करेंगे। बाय।